आखिर क्या है इल्यूमिनाटी का सच? आपने कभी ना कभी एक रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी के बारे में जरूर सुना होगा। कई लोगों का कहना है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी इल्यूमिनाटी का हाथ है। इस संगठन की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी, उस दौरान ये एक खुफिया संगठन था। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि इल्यूमिनाटी गुप्त रूप से काम कर रहा है। यह एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस इल्यूमिनाटी का नाम रहस्यमय संगठनों में गिना जाता है। शुरुआत में इस संगठन से कुछ छात्र जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे इल्यूमिनाटी का दायरा बढ़ने लगा और हजारों लोग इस संगठन में आने लगे। मान्यता यह है कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी के बावेरिया शहर में हुई थी। यह संगठन कई खुफिया बैठकें आयोजित कराता था जिसमें समाज और सरकार को लेकर कई बातें हुआ करती थी। बाद में स्थानीय सरकार को इस खुफिया संगठन के बारे में पता चल गया। इस संगठन के बारे में पता चलते ही स्थानीय सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा दिया और इसको शुरू करने वाले प्रोफेसर विशोप्ट को जेल में भेज दिया। हालांकि आज भी लोगों का विश्वास है कि इल्यूमिनाटी अभी भी सक्रिय है और देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। कुछ लोगों का मानना है कि लोग फेमस होने के लिए इल्यूमिनाटी को अपनी आत्मा बेच देते हैं और इसमें शैतान को भगवान के रूप में पूजा जाता है। अब तक इल्यूमिनाटी के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है।